हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो डिजिटल गाइड में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास जियो का सिम है और आप नेट चलाते हैं, मान लीजिए आपका नेट खत्म हो जाता है और आप किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहां पर आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो जियो ने अभी एक नया सिस्टम चालू किया है कि आप इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। इंटरनेट 1 GB करके आप 5 बार ले सकते हैं लोन जियो अपने जियो सिम में। तो आप कैसे लीजिएगा, चलिए मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको माई जियो ऐप डाउनलोड करना है अपने ऐप्स में। माई जियो ऐप्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में माई जियो ऐप है। तो माई जियो ऐप को आप लोग ओपन करिएगा। माई जियो ऐप जब ओपन हो जाएगा, माई जियो ऐप ओपन हो जाने के बाद देखिए, माई जियो ऐप ओपन हो गया है। माई जियो ऐप ओपन हो जाने के बाद उसके बाद लेफ्ट साइड देखिए 3 डॉट बना हुआ है यहाँ पे लाइनिंग, इस पर क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको ऊपर से देखिए ऑप्शन नज़र आएगा इमरजेंसी डाटा लोन का। यहाँ पे देखिए न्यू लिख के आ रहा है इमरजेंसी डाटा लोन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और आप जैसे ही उस पर क्लिक करिएगा देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, रिचार्ज नाउ पे लेटर इमरजेंसी डाटा लोन। यहाँ पे इमरजेंसी डाटा लोन का ऑप्शन आया, तो यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। अब जैसे प्रोसीड करिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि डाटा बाउचर 1 GB अवेलेबल क्वांटिटी 5 प्राइस 11 रुपये, मतलब 11 रुपीज पर GB आपका है। आप 5 बार तक इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 GB लेना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा गेट इमरजेंसी लोन पे। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट नाउ आएगा, एक्टिवेट क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया योर फीडबैक मेक्स अस बेटर रिड्यू लाइक एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे हो गया। आप इसको नो यस कुछ भी कर सकते हैं। हो गया 1 GB अब डाटा इसमें आ गया। अब इसको पेमेंट कैसे होगा, तो हम लोग को फिर से उसी में जाना होगा, इमरजेंसी डाटा लोन में। इमरजेंसी डाटा लोन में आप जब जाइएगा, फिर से वही ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखला रहा है एक बाउचर मैंने यूज किया है 11 रुपीज का, यहाँ पे क्लियर ड्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मुझे 11 रुपये पेमेंट करने पड़ेगा। आप इस पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ये देखिए यूजिंग UPI ID, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, PayTM, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर नेट बैंकिंग, बहुत सारा ऑप्शन है। आप इसी से अपना 11 रुपये पेमेंट कर सकते हैं जो आप यूज किए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने जियो के सिम में आप कैसे इमरजेंसी डाटा ले सकते हैं उधार जियो कंपनी से और बाद में उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।